नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ऑडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुधवार 13 मई 2020 शाम रात 8 बजे तक की खबरें प्रदेश स्तरीय मध्य प्रदेश के स्तर की हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन से भेंट की। उनके द्वारा कोरोना COVID-19 के संबंध में प्रदेश के हालातों के संबंध की जानकारी राज्यपाल लालजी टंडन को दी। प्रदेश में कोरोना के COVID-19 के संक्रमित मरीजों की तादाद 4000 से ज़्यादा पहुंच गई है। इसमें स्थिर मरीजों की तादाद 1937 और जो लोग इसमें कालकल्वित हो चुके हैं, जिनका निधन हो चुका है, उनकी तादाद मध्य प्रदेश में 232 तक पहुंच गई है। इंदौर जिले में कोरोना COVID-19 के 91 नए मामले सामने आने के बाद अब वहां संक्रमित मरीजों की तादाद 2107 पहुंच चुकी है। इंदौर में अब तक 974 रोगियों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। भोपाल में कोरोना प्रभावितों की तादाद बढ़कर 842 हो गई है। भोपाल में 517 संक्रमित मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। उज्जैन जिले में संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़कर 269 पहुंच गई है। यहां 132 लोग स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं। जबलपुर में बुधवार को 8 कोरोना मरीज पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जबलपुर में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद 56 हो गई है। रतलाम जिले में संक्रमित मरीजों की तादाद 28 पहुंच गई है। सागर में कोरोना वायरस के संक्रमण से बुधवार 3 व्यक्ति और संक्रमित पाए गए हैं। तीनों व्यक्ति सागर शहर के सदर क्षेत्र के हैं। सतना जिले में कोरोना संक्रमित की तादाद 5 से बढ़कर 7 हो गई है। देवास जिले में कोरोना संक्रमित लोगों का आंक की तादाद 58 तक पहुंच गई। छिंदवाड़ा में क्षेत्रीय विधायक सुजीत सिंह की पहल पर थावरी ग्राम के जो उनका गृह निवास है के लोगों ने स्वेच्छा से आगे आकर लगभग 34 क्विंटल गेहूं, 15,000 की नगद राशि एवं 30 लीटर खाने का तेल दान में दिया है। कटनी में प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर दिलाने के लिए मनरेगा के तहत 2,000 से अधिक तालाब निर्माण एवं अन्य कच्चे कार्य का संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा इंदौर से रीवा के लिए एक विशेष ट्रेन बुधवार की रात 9 बजे इंदौर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे। इसके साथ ही हरियाणा के रेवाड़ी में फंसे प्रदेश के सागर सहित 25 अन्य जिलों के 1,590 प्रवासी मजदूरों को श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी से सागर लाया गया है। मंदसौर जिले में अलग अलग स्थानों पर रह रहे उत्तर प्रदेश के मजदूरों को 6 बसों को यात्री बसों के माध्यम से उनके निवास उत्तर प्रदेश भेजा गया है। ये थे समाचार बुधवार 13 मई 2020 के प्रदेश स्तरीय मध्य प्रदेश के समाचार। बृहस्पतिवार 14 मई को लेकर हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो यूट्यूब को खोलिए, यूट्यूब आपके पास होगा। यूट्यूब पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE, इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट
जो है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियां, ज़रूरी खबरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियां आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।